हेलो वेलकम ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल को लाइव में। सो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और यूएसडी के बारे में। सो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमने क्या कुछ एनालिसिस किया था और अभी का क्या कुछ कंडीशन है और आगे क्या कुछ हो सकता है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं इंट्रो डिस्क्लेमर के बाद। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे देख सकते हो जो हमने वीडियोस बनाया था उसका मैं रिकैप इसके साथ डाल देता हूँ। और आज जो हमारा एनालिसिस है और हमारा जो पिछला एनालिसिस था वो कैसे मैच करता है और कितना हद तक मैच करता है उसका भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो टारगेट रखा है वो ये है, यहाँ तक के लिए हम इसको रखेंगे और यहाँ तक के लिए रखेंगे। सिर्फ इसकी बात नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ तक ही रखेंगे, आगे हम यहाँ तक ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो इसके लिए हम 200 मूविंग एवरेज तक इसको खींच लेंगे, लेकिन जब तक हमारा पहला टारगेट हिट नहीं हो जाता है तब तक हम इसे यहीं पर रहने देंगे। और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 5.61%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस किस तरीके से चूज़ किया है तो चलिए आज हम देख लेते हैं जो बिटकॉइन का पोजीशन है। सो यहाँ पे जो पोजीशन है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतर पोजीशन है। और दोस्तों यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो बहुत ही बड़ा पोजीशन के लिए। सो देखते हैं क्या कुछ है कंडीशन। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि हमारा पहला टारगेट जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट बनाया है जिस कारण से हमने इसको एक बार चुना है। ओके, नेक्स्ट जो हमने चुना था 200 मूविंग एवरेज था, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके, देन अभी हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा ये 9550 के आसपास। ओके, रेट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है। सो यहाँ से आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो, सबसे पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला टारगेट है वो हमें प्रॉफिट देगा 9.94%। ओके, हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा, स्टॉप लॉस में कुछ हम चेंजेस नहीं करेंगे और चेंजेस होगा भी नहीं इसमें। हम अभी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कम होता जाएगा और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू होगा। सो हमारा टारगेट अभी बढ़ जाएगा यहाँ तक के लिए, हमारा टारगेट अभी होगा 33%। ओके ट्रेडर्स, सो ये हमारा फाइनल टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ओके, अगर कुछ गड़बड़ी दिखता है तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, नहीं तो हम ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने जो डिसाइड किया था आप लोग देख सकते हो, उसका रिकैप तो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने डिसाइड किया था जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद हम वेट करेंगे सेकेंड टारगेट के लिए, जो कि हमारा 200 मूविंग एवरेज तक का रेजिस्टेंस था। लेकिन अभी बढ़ाने का रीज़न क्या है उसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हो जो हमें वॉल्यूम मिला है वो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम मिला है और ये इस पोजीशन में काफ़ी बार सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है, देन फाइनल यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है। सो ये तीनों सपोर्ट जो है ये मार्केट को घुमाने की कोशिश कर रहा है। और अभी का जो सिचुएशन है, अगर मार्केट यहाँ से घूमता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस यही है। ओके, सो ये इसका पहला रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें चूज़ करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सो जब भी मार्केट कोई पोजिशन में मल्टीपल सपोर्ट लेता है या फिर मल्टीपल रिजेक्शन लेता है, उस जोन को आपको रिस्पेक्ट देना होगा और वो देना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट उसको बाखूबी से रिस्पेक्ट करता है। इस मामले में आपको भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट का कहां कहां एक अच्छा मेज़र सपोर्ट है या फिर माइनर सपोर्ट है। सो इस चीज़ को देखते हुए आपको ट्रेड लेना होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारा जो वीडियोस है वो आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करता है आपके एनालिसिस में। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।